दोस्तों, क्या आपको साउथ इंडियन मूवीज पसंद है? अगर हाँ तो आपने किसी न किसी साउथ इंडियन मूवी में प्रभास को तो देखा ही होगा। और अगर आप साउथ इंडियन मूवीज के फैन नहीं भी हैं, तो भी बाहुबली तो आपने जरूर देखी होगी। आखिरकार ये मूवी वर्ल्ड फेमस जो हुई, तो आज हम बात करेंगे बाहुबली का करेक्टर प्ले करने वाले प्रभास की और जानेंगे थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में। दोस्तों, प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को माता शिवकुमारी और पिता सूर्यनारायण राजू के घर हुआ। इनका पूरा नाम वेंकाता सत्यनारायण प्रभास राजू उपलब्धि है, जिनको हम प्रभास के नाम से जानते हैं। प्रभास के पिता सूर्यनारायण राजू फिल्म प्रोड्यूसर हैं। प्रभास ने अपनी स्कूल की स्टडी भीमावरम के बीएनआर स्कूल में पूरी की और कॉलेज में बीटेक की डिग्री हासिल की। प्रभास ने टॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था साल 2002 में तेलुगु मूवी ईश्वर के साथ। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने फिल्म राघवेंद्र में भी लीड रोल प्ले किया, पर उन्हें सबसे ज्यादा सक्सेस 2004 में आई फिल्म वर्षम में मिला। क्या आपको फिल्म बागी याद है, जिसमें श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ एक साथ नजर आए थे? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये फिल्म बागी प्रभास की ओरिजिनल फिल्म वर्षम का ही रीमेक था? अपने अब तक के करियर में प्रभास ने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली से। और इस फिल्म से प्रभास सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस हो गए। जापान, जो कि कॉमिक्स बनाने के लिए फेमस है, उसने तो बाहुबली की कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिया और कई जगह उनके बाहुबली रोल वाले खिलौने भी बनने लगे। प्रभास, जिनकी पहचान पहले सिर्फ तमिल फिल्मों के साउथ इंडियन एक्टर तक ही सीमित थी, अब वो इस फिल्म से वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि बाहुबली फिल्म के लिए प्रभास ने 5 साल तक कोई और फिल्म साइन नहीं की थी, क्योंकि वो उस टाइम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजमौली की फिल्म बाहुबली पर ही देना चाहते थे। बल्कि प्रभास का तो कहना है कि वो राजमौली जैसे डायरेक्टर के लिए 5 साल तो क्या, जिंदगी के और भी साल दे देते। फिल्म बाहुबली के दौरान 5.5 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फिल्म बाहुबली पर ही ध्यान देना चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि प्रभास ऐसे पहले साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनका बैंकॉक में मैडम तुसाज म्यूजियम में एक वैक्स स्टैचू है? और यह जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, बाहुबली के इतने बड़े सक्सेस के बाद प्रभास को हजारों रिश्ते आए। प्रभास के फैन उन्हें प्यार से यंग रिबल स्टार ऑफ टॉलीवुड और मिस्टर परफेक्ट भी बुलाते हैं। फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभास रियल लाइफ में भी बहुत ही शर्मीले लड़के हैं? बचपन में उनसे जब भी पूछा जाता था कि क्या वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो सीधा मना कर देते थे, बल्कि उन्हें तो कैमरे के सामने आना पसंद भी नहीं था। लेकिन अब जब भी प्रभास फिल्मी पर्दे पर आते हैं, तो वो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। और हाल ही में वो अपनी फिल्म साहो में भी काफ़ी खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए, जिसमें उनका ऑपोजिट श्रद्धा कपूर है। तो दोस्तों, ये तो थी प्रभास के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।